चाहिए, किसी का भी हो, बिल्कुल सही, किसी कलर का हो, किसी नस्ल का हो, अगर उसने उड़ के दिखाया है उसे शाबाश मिलनी चाहिए। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि हमारी पार्टी इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही है? इंशाल्लाह, पहले भी तकरीबन हर शहर में हमारा हिस्सा होता है, इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही होगा, कोशिश करेंगे और बेहतर। बिल्कुल इंशाल्लाह, और अच्छे दोस्त हमारे साथ मिले। परसों मैं हैदर भाई की छत पर बैठा हुआ था, उनके भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, तो दो चार लोगों के कमेंट है क्योंकि उस हैदर भाई ने ना वहाँ पे बात की थी कि जी मेरे जितने भी कबूतरों के जोड़े लगे हुए हैं ना, सबसे मेन चीज़ ये है कि मेरे पास जो जोड़े हैं वो चेयरमैन साहब के हाथ के जोड़े लगे हुए हैं, तो उस पर ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि फिर कोई टिप ही दे दो चेयरमैन साहब के जोड़ों के हाथ की, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो बस इतनी टिप है कि जो उस्ताद जी पकड़ के जोड़ा लगाते हैं ना वो खराब नहीं होता। बिल्कुल, अगर आपको दोनों नरमादी की नस्ल का पता है ना, ये टिप है। इसके अलावा सबसे बड़ी टिप ये है, नार और मादी आप ले रहे हैं, पहले नार में देखें क्या नुक्स है, ठीक है, फिर मादी में देखें, वही नुक्स मादी में तो नहीं है। जो नार में अगर दो नुक्स हैं तो मादी में वो दो अच्छाइयाँ होनी चाहिए, जो नार में दो नुक्स हैं, सही, जो मादी में नुक्स है वो नार में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये जोड़ा लगा दें इंशाल्लाह काम करेगा, काम करेगा, बड़ी बड़ी टिप है, बहुत अच्छी टिप है, किसी भी नस्ल जिस्मत देख लें दोनों एक जिस्म के ना लगाएं, हड्डी देख लें दोनों एक हड्डी के ना लगाएं। एक हड्डी से क्या मुराद होती है? कोई भी चीज़ अगर कुछ एक हड्डी के लगा देते हो सख्त हो जाए, एक हड्डी मतलब सीधी हड्डी या कोई भी इस तरह की या गोल के लगाओगे, दोनों गोल लगेंगे तो वो खराब है, वो भी आदत है, सही। और परों के हिसाब से सर जी आपकी क्या राय है, क्या पर मैं तो पूरा कुंदे की बात करता हूँ, मैं पर की इसी तरह को अंदर को बाहर को ऊपर को नीचे को, मुझे इससे कोई गलत ऐसे पार आपने खोला है उसमें क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, क्रॉसिंग नहीं होनी, जितना ज़्यादा पार के पार ऊपर चढ़ा होगा ना उतना अच्छा वो कुंदा हो, पार सीधा हो, गोल हो, नोकदार हो, सब अच्छे, हार पार के हार तरीके के उत्तर को। वालेकुम सलाम, थोड़ी देर तक गल करवाना जरा, आपका आज आपने जोड़े दोबारा से लगाए उतने ही, थोड़ी देर तक करवाना, क्योंकि आपका वायरस की वजह से रिजल्ट भी नहीं आया, इस दफा परेशानी में रहे उसके बावजूद, लेकिन फिर भी बेहतर हो गया, बाकी से जीत गए, लेकिन टूर्नामेंट में सिर्फ इसी वजह से वायरस की वजह से नहीं अच्छा ना, बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल ऐसी है। तो आज जो आपने अब जोड़े लगाए तो आपका सबसे फेवरेट जोड़ा इस वक्त कौन सा होगा अगर आप दिखाएंगे? हमारे ना दो या तीन नस्लें हैं हमारे पास, डब वाले, तस्वीर वाले, हम इनके गिर भी घूमते रहते हैं, सही, उनके माँ बाप भी कहते हैं अगर पीछे चले जाएँ कुछ चार साल दस साल पीछे चले जाएँ तो इनका सारों का दादी दादा एक ही होता है। अच्छा, उसमें इनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है, उसे हम नस्ल के लिए रख देते हैं, बाकी उड़ाने के लिए, बिल्कुल सही है। तो इनको आपस में लगाने से ये नहीं हमारे निकल लोगों का दिन दिन है, हमने इसमें कभी नहीं मेल लिया, जब मर्जी के दोस्त आके देख ले मेरे ऐसे ही लगे, ये बस यही इनमें ही यही तीन दरमियान एक आध कुछ होपफुली कहीं रखा हो तो यही हो, जब मर्जी किसी की मर्जी जब आ। इस दफ़ा आपकी पार्टी के अलावा एक तो ये यासिर भाई वगैरह हो गए, आपके जो पार्टी में वन टू वन मुकाबले या थड़े की बाजी है, तो आपके मुखालिफ में और स्ट्रॉन्ग कौन सी पार्टी रही मिस्त्री दीन पार्टी के अलावा? मेरा ख्याल है इस तो अपना कृष्णा वाले, उन्होंने अच्छे प्रवाद आए हैं, सही,
नहीं मतलब थड़े की जिन से लगती है उनमें कोई आगे थड़े, इतना ज्यादा थड़े की एक हमसे दिखा है कसूर से है मरा कसूर जाने की बात है। अच्छा मरचा तुमसे बाकी मरचा ने पांच छह से जीती थी उसने कसूर में अच्छे गुण करते हैं उसके मतलब रिदम में हुए तीन से पार ढाई से पार बैठ ऐसे होता है कभी एक कभी दो लेवल में। सर ये जो छत की बनावट है ये भी परवाजों पे और कबूतरबाजी पे असरअंदाज होती है हो सकती है बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा छत जब भी बनाए ना उसमें कम अज़ कम दो से तीन घंटे दूर पानी चाहिए अंदर तक जाने खुदों के अंदर तक कोशिश करें सुबह सूरज निकले ना उस टाइम अंदर जाए इस तरह करो बीमारी में कमी आती है कबूतर तंदुरुस्त रहता है खुडे जो हैं वो ज़्यादा गीले नहीं रहते अगर गीले नहीं रहेंगे तो बीमारी भी कम है। बिल्कुल सही कुछ कबूतर अपने को दिखाएंगे जो आपके फेवरेट कबूतर हों या आप समझते हो कि ये कबूतर जो है चैम्पियन क्लास में कबूतर हैं बहुत ही कोई ले इधर से लगो 28 ले हम ना 15-20 रखते हैं उन्हें ले सकती हूँ जैसे बाबू जी आप भी माशाल्लाह बड़ा शौक करते रहे हैं लाहौर में अक्सर लोगों से हमने पूछा तो वो कहते हैं कि जी अगर अच्छे कबूतर देखने हैं लाहौर के अच्छे कबूतर देखने हैं बाबू ताहिर के पास चले जाओ ये एक मिसाल बनी हुई है लाहौर की तो क्या आपके कबूतर और चेयरमैन साहब के कबूतर ये सेम ही तकरीबन कबूतर है कबूतर इधर मेरे से मिल सकते हैं कबूतर हमारे पास मियाँ मियाँ साहब के ही मियाँ बिल्कुल सही उनके उनका नाम नहीं हमारी नहीं बनी तो अजीम साहब से अजीम साहब से हमने कोई नहीं पूछा वो मेरे उस्ताद हैं उस्ताद रहेंगे उस्ताद थे उस्ताद हैं बिल्कुल उनका नाम रहेंगे नाम लेने से हमें कोई नहीं रोकता बिल्कुल पार्टी उनकी थी उन्होंने कहे हमारी वापस कर दो हमने उनका बाप है वो कह रहे हैं अपने दिखाएं मुझे करके हमारा उस्ताद मेरा उस्ताद है मैं कबूतर उनकी मियाँ साहब के अजीम था इसमें कोई चल रहा नहीं मियाँ नज़ीर साहब मियाँ नज़ीर साहब अजीम का अंदर कोई कमाल नहीं अजीम का अंदर कोई तलक नहीं अजीम का इन्होंने कबूतर कोई वास्ता नहीं असं मियाँ साहब तो शुक्र हैं सुबह तो रहेंगे सुबह सारी जिंदगी इन अजीम का कोई किरदार नहीं है ना असं उन्होंने तलक रखना चाहते हैं ना साढ़ा तलक ना कबूतरबाजी का तो ना कोई बिल्कुल सही लेकिन कबूतर हमारे चूँकि हम हैं तो ये उस्ताद से आए हुए तो हमने झूठ नहीं बोलना कभी भी हो ही नहीं सकता बिल्कुल सही हम नाम अपना रखेंगे मैं अपना नाम रखूँगा मेरा भी तो उतना ही साथ ये चेयरमैन वाले कबूतर हो गया था उसका बेटा नहीं चाहता मेरे बाप का नाम हो तो मैं क्यों चाहूँगा हम तो नाम लेंगे उसी हाँ सही शागिर्द है ये अब तो नहीं मिल सकते छीन सकते ये तो मियाँ साहब वापस आए तो वो कह सकते हैं ये अजीम के पास कोई बात नहीं है वो मुझे कहे जी तुम साढ़े शागिर्द हो वो तो मियाँ साहब ही कह सकते बिल्कुल सही उस्ताद की है उनके हाथ में वो तो ख़त्म ही हो गई जब बात क्या बात वैसे आदमी दोबारा बहुत मुश्किल मिलते हैं इस फील्ड में तो है ही नहीं मुझे तो नहीं मियाँ साहब जैसा बिल्कुल सही क्या बात आप क्या समझते हैं इस दफ़ा जो पार्टी हमारी ने परफॉर्मेंस की पार्टी ओवरऑल जो
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸੁ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੁਗਤ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਚ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਛੱਤਾਂ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 83 ਘੰਟੇ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਤਨਵੀਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਕੋ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੋ ਕਬਜ਼ੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਏਕੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ 43 ਆ ਗਿਆ 44 ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਤਕ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹ 47 ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਦਮ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਿਛਲੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 1-2 ਹੋਈਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ 2000 ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਲੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਿਦਮ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਕਾਚਿਆਲਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਛੇ ਦਾ ਕਾਛੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟੇਬਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਕ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ 4 ਵਸਾਖ ਲਈਆਂ ਨੁਮਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 28-30 ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਕਾ 1 ਕੱਪ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਉੱਪਰ ਕੱਪ ਹੈ 50 ਉੱਪਰ ਬੂਰੇ ਕੇ ਕੱਪ ਹੈ 50 ਉੱਪਰ ਕੱਪ ਉਸਨੇ ਛੱਤੇ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ 1000 ਛੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ
इलाकाई कप और सारे मिला के 50 सुपर कप से अप्रिशिएट करना। बिल्कुल पूरा जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर जी कौन से कबूतर हम अब ये डब वाले चेयरमैन पार्टी। अच्छा रात मेरी बात हो रही थी जनाब नुमान भट्ट साहब से, तो वो हैदर के बारे में भी बात हुई फिर कबूतरों के बारे में। बाबर के घर की ब्रीड है। अच्छा देखें जी बाबर ने बनाया जी। तो भट्ट साहब के पास कबूतर है 1.25 लाख वाली ब्रीड के नाम से ना, वो भी ये डब वाले ही। तो फिर वो हैदर की भी बात हुई सारी, तो वो नुमान भट्ट साहब कह रहा था कि आप इस दफा कहीं भी देख लें ऐसे पकड़ के, ये आंख जरा कर लेंगे दोनों कर लें। तो वो कह रहा था कि ज्यादा जो इस दफा आगे आए हैं ना वो डब वाले कहते हैं वैसे पकड़ता है ये ऐसे अगवा चुक लो ये है जी उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब के घर के डब वाले कबूतर ये क्या तो बाबर भाई हमारी छत पे इधर पे भी ज्यादातर इन्हीं ब्रीड्स में से आगे हैं डब वाले, मतलब क्योंकि नुमान भट्ट साहब अगर हम क्रॉस में भी लगाएंगे तो यही लगाएंगे, अगर हम काटने के लिए लगाएंगे तो दोनों डब वाले, अगर उड़ाने के लिए लगाएंगे तो एक डब वाला और एक टैडी या एक स्कूल वाला और एक टैडी ऐसे ही होगा। स्कूल वाले से मुराद तस्वीर वाले या गोल्डन वाले? ये भी मलिक बाबर के घर नहीं जी, ये भी बाबर भाई के घर की माशाल्लाह बहुत आला माता जी। इस पैर का बच्चा जेट भी उठता रहा है, इस जेट में भी। अच्छा माशाल्लाह। वो जिसकी वीडियो भी आपने बनाई थी जी, वही डब वाले की एक की बनाई थी ना। नहीं जी चैंपियन ब्लड लाइन है जी और चैंपियन ही कबूतर है ये। उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब की छत पे आपको दिखा रहे हैं उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब वाले डब वाले कबूतर। बहुत आला क्या बात देखें। अभी हम डब वाले ही दिखा रहे हैं ये डब। नेटवर्क ही जम जाए याद है क्या बात। बड़े ही स्मार्ट कॉम्पैक्ट साइज ये देखिए, ये इतना सा साइज है कबूतर और हाथ में किस तरह से ये बुरा आ जाता है। ये इसका जो टोटल ग्रिप ही इसकी छोटी सी ग्रिप, ये उंगलियां आपस में मिलने के बावजूद ये कबूतर जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत शानदार फिट हो गए। देखें जी मान आओ जी पुकार भाई सारे कामरे भाई यंग पट्टियां पट्टे ये जितने भी आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे सारे ये यंग पट्टियां पट्टे डेढ़ से दो साल एज है। जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे डार्क होते जाएंगे। बिल्कुल सही ये बिल्कुल यंग है। आप पूछ रहे थे क्रॉस, ये क्रॉस वाला जो है अच्छा जो अब इसके बाद आए ये भी डब वाले माता टैडी आ गई जी। ये उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब वाले कबूतर हैं जी, गौर कर लें तमाम दोस्त अब आप टेंशन। अच्छा टेंशन है क्या? टेंशन अच्छा मतलब चेतावनी चेतनी नहीं जो होती है ना। हाँ आएगा कि नहीं आएगा फिकर। क्या नाम रखा हुआ है जी? ये भी मलिक बाबर साहब वाले ही उस्ताद को ले रहे हैं, उनकी टेंशन हम यहाँ ले रहे हैं। मलिक बाबर साहब से बिल्कुल सही उधर से ही आते हैं उधर से उधर चले गए।
अच्छा ये उसके साथ लगा, वो मादा टैडी है और ये नर डब वाला कहलाएगा। अच्छा उस्ताद जी, वो आपके घर के मशहूर ज़माना कबूतर हैं, मतलब बहुत जगह पे हम जाते हैं तो कहीं जाए ना तो वो मियां साहब वाले कबूतर तो कहलाते ही हैं ना ये, कि जी मियां साहब वाले, लेकिन लोगों को जो असल नाम याद है ना वो ये याद है कि यार वो चेयरमैन साहब वाला डब वाला कबूतर है, पोस्टर वाला जी, इससे पहले जोड़ा गया ना। जी जी उसका था वो पोस्टर वाले थे, बिल्कुल सही है। अच्छा हमने सुना है कि जो लाल परी नाम पड़ा वो भी आप ही की छत पे पड़ा, लाल परी, लाल तूफान, लाल तूफान, लाल तूफान। अच्छा ये मुझे आया कसूर लाला जी के घर, लाला यूसुफ साहब ले जी उस्ताद, लाला यूसुफ साहब की तरफ से चेयरमैन साहब को आया और ये है लाल तूफान, देखें माशाल्लाह। ये लाल तूफान किन में से कहलाएंगे, टेडियों में से के आपस में क्रॉस वाले, अच्छा डब वाला, अच्छा सलारा जो है ना, सलारा पार जो है जी जी, और अच्छा डब वाला जैसे पोस्टर वाला, वो इस तरह के होते हैं, ये दोनों मिलाएंगे तो ये निकले, ये निकले जी, बिल्कुल सही जी। वालेकुम सलाम, क्या बात, बहुत ही शानदार माशा, साइज देखते जाएं जी, साइज एक जैसे साइज आ रहे हैं सब कबूतरों के, मैं कह जी एदे बेची हैगा इजी पैसा, ये इसके साथ फीमेल ऐसे नंबर पे जी जी, आज ऐसे नंबर पे जैस कैश भी ऐसे, ये फीमेल जो है ये किन में से कहलाएगी, ये टेडियम में, टेडियम में, तो अभी अगर उसके साथ लगेगी क्रॉस में लगा, क्रॉस में लगा इसमें 75% हो जाएगा ना टेडियम, सही है 25 लाख वाला ठीक हो, देखने में ये टैडी लगेगा। इन तीनों नस्लों में ये जो गोल्डन कबूतर जिनको कह लें आप, तस्वीर वाला कह रहे हैं या स्कूल वाला आप हमारे जो कहलाते हैं, और टैडी और डब वाले, इन तीनों में सबसे ज़्यादा परवाज के मालिक कौन से हैं और सबसे ज़्यादा मजबूती के मालिक कौन से, डब वाले, डब वाले, उनमें ये दोनों खासियतें सबसे ज़्यादा अच्छी हालत में, इसलिए एक और खासियत है जी, ये नस्ल ख़राब नहीं करते आपस में लग के, अच्छा लगे लगे रहेंगे तो मेंटेन, हमने कितनी दफ़ा लगाए हैं ख़राब नहीं, ये है जी पोस्टर वाले का बेटा, फिर मंगवाए, ये पोस्टर वाले का बेटा है जी, ये उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के जो पोस्टर वाले मशहूर कबूतर हैं ये उनका बेटा है जी, देख लें इसको ना माशाल्लाह खूबसूरत पूरा साइज़ वगैरह इसका देखेंगे, और ये रीजिस किया अच्छा जो बड़ा पोस्टर वाला वो भी है मौजूद है जिंदा बाबर भाई की तरफ, हाँ जी तस्वीर तो बिल्कुल उसका बेटा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट बेटा वो भी है, बहुत भी गाल अच्छा माशाल्लाह, पर दिखाएं जी पर आ रहा है जी, क्या बात है, लेकिन दुमे साइज पर हर चीज परफेक्ट, ये टैडी है, पांच टकों वाला, ये वाला पांच टकों वाला जिसका बेटा 2019 में 20 में रात रह कर बैठा है, ये वो बड़ा कर पांच निशान है, अच्छा ये पांच निशान है, क्रॉस वाले पूछ ले तो इसलिए क्रॉस वाले में पाए, जो वो टैडी प्योर है नर टैडी है ये, और मादा जो है इसके साथ आपको दिखाएंगे वो डब वाली, बहुत मुझे जरा नोक के बारे में सवाल कीजिए, मैं करने लगा था अच्छा बाबर भाई वो वकार की तरफ से भी यही सवाल है मेरा, मैं करने ही लगा था लेकिन उसने पहले मुझसे बात कर दी कि ये काली नोक में नहीं है कबूतर, तो ये क्या वजह है, ये क्या नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना कि मियां साहब के कबूतर होते सिर्फ काली नोक में होने चाहिए, इसकी नोक काली ना होना भी कोई मतलब पक्की नोक है ये, नहीं इसकी इसकी ना नोक खराब हो गई, अच्छा ऊपर से उतर गई ये छिलका ऊपर, हाँ ये हो गया पुराना कबूतर है, अच्छा पुराना कबूतर इसलिए ऐसा, बिल्कुल ठीक। दूसरा आपको पता है यहाँ 2 साल में 3 दफ़ा वायरस आ रहा है,
दो साल में तीसरी दफा तो वो कोई वायरस सारा आप भी कबूतर वायरस से निकले हैं, आपने देखा कि आज ही हमने दोबारा पेयरिंग की है, बिल्कुल ऐसे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा परिंदों पे अफेक्ट करती है जो बीमारी है। बीमारी में जो उसका असल कलर, जो असल उसकी आंख का कलर वो नहीं रहता, कुछ ना कुछ वायरस कहीं ना कहीं बॉडी का स्ट्रक्चर वो नहीं होता, परों की शेप वो नहीं होती, पर लंबे क्यों होते हैं बीमारी इसी तरह ही। बिल्कुल सही है। आओ जी इधर, ये है जी माता जी लगी हुई उसके साथ। अच्छा एक भाई वो ना बहुत इंटरेस्टेड है मियाँ साहब वाले कबूतरों में, और एक दो दफ़ा मुझसे जब मैंने कहा जी मुझे नंबर दें किसी का, तो मैंने एक दो लोगों का नंबर उनको दिया है जो सेल करते हैं ना, तो जिनके पास मियाँ साहब वाले कबूतर हैं। लेकिन वो भाई परेशान थे, एक दिन मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे यार मैं लेके तो आया हूँ लेकिन वो खुद कह देते हैं ये डब वाला है ये टैडी है, मुझे उनमें फ़र्क नहीं पता चला ये इसका क्या हम आगे कर। उन्होंने तो अपने जात के हिसाब से बात की, सही मतलब जिसको पहचान है ना ये डब वाला ये टैडी है और ये फूल वाला, वो तो नहीं बोलता नहीं, तो कोई पैटर्न निशानी इनकी अलग अलग था क्या रंगों के निशानी क्या, ये टैडी है ना जी जी, अगर इसे कोई डब वाला कहेगा तो नहीं, वो कहते हैं आँखें जी उनकी सफ़ेद सी आँखें थी, जालदार कबूतर हैं तो वो कहते हैं जी ये सफ़ेद सी होना, डब वाले हैं सफ़ेद होना और बात, अच्छा सफ़ेद सी और सफ़ेद में कबूतर कितना जानवर है, इतना जानवर है ना यार, इसने भी सब कुछ ढूंढना है, आँख भी चूँच भी बार भी नाखून भी और इसकी टांगें भी गर्दन। नहीं तो हम किससे पहचानेंगे, कलर सी डबल और टैडी। मैं अपनी बात करता हूँ, हमारा कबूतर अगर चौथा हिस्सा भी होगा ना किसी में हम पहचान, इसमें तकरीबन इसमें है इधर जो है अब ये आपको पता है ना, लोगों को तो नहीं बेचारों को पता लगता, कैसे पता चलेगा तो दसी कहना कि अच्छा ये स्पर की वजह से ब्राउन पार है शेड आ रहे हैं, देखो पर आ रहे हैं आ रहे हैं दस रहा कि ये डब वाला पा रहे अपनी नजर कमजोर है पता लगेगा टैडी, लेकिन जो इतो अगर गौर करा तो फिर डब वाला मेल ना हो, अच्छा ठीक हो डब वाला हो, स्कूल वाला हो, अपना तस्वीर वाला हो, कोई भी हो, टैडी मेल तो बगैर कबूतर ही नहीं है, मियाँ साहब कबूतरों का नहीं, मियाँ साहब के आप अजीम का भी मुझे मियाँ साहब के आशिक उनमें टैडी होना मस्ट है, अच्छा कोई भी नस्ल हो उसमें कोई भी नस्ल डब वाला है स्कूल वाला है चाली नंबर है तस्वीर वाला है पोस्टर वाला है लाल थान है कोई भी चीज़ है टैडी एक मस्त चीज़ है, बिल्कुल सही होना ही ये तुम कहो ना बिल्कुल डब वाला प्योर ये झूठ है सही बिल्कुल तुम कहो ना स्कूल वाला प्योर स्कूल वाला कि नहीं ऐसे ही बनाए तस्वीर वाली या मियाँ साहब वाली एक ऐसी नस्ल है जी होर किसी को है ही कोई बनाई मियाँ साहब है बिल्कुल सही है। ये देखिए ये उस्ताद बहुत ताहिर शरीफ साहब ने जिसके बारे में बताया, अब ये देखें आँखों से ये टैडी करीब करके देंगे देखें इसको, हाँ डब वाला छोड़ गया अपना एल्फ रिंग से पहला रिंग उसका नोट कर वो कह रहे हैं ना कि आँखों की तरफ तो हम बाद में जाएंगे ना जी,
परों से ही पकड़ लेंगे और इसका रंग भी देख लें कैसा कमाल का रंग। मियां नसीर साहब, मियां नसीर साहब हमसे जो कबूतर जा रहा है वो आगे मियां नसीर साहब की तरफ। ये भी लाल तूफान नहीं जी, ये लाल तूफान आ गया। अच्छा जो इससे लगी हुई नहीं बाऊ जी की बात है, बाऊ जी के पास कबूतर खत्म नहीं होता, तादाद बढ़ जाएगी। कम अज कम 3,000 3,000 कबूतर, 32 मर मुर्गे इन्ने के होंगे बिल्कुल ऐसी है जी। ये है जी प्योर सलारी, उस्ताद इम्तियाज़ हसन चेयरमैन साहब ने आपको बताया जैसे कि ये प्योर सलारी माल। क्या बात यार, इसकी तबीयत जरा खराब है, काली हुई भी है, काली रंग देख ले कैसे कमाल। तस्वीर वाले अल मारूफ स्कूल वाले इसके मैसेज आ रहे हैं। नहीं मतलब जो लोगों को जो पता है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि चालीस नंबर गोल्डन बड़े नाम सोने के रिंगा वाले कह सकते हैं। ये सब एक एक कबूतर से नाम पढ़ते चले गए। चार बरात है, चार बरात। अच्छा एक के बन गए स्कूल वाले, एक के बन गए मियां साहब वाले, एक के बन गए चार भाइयों से चल गया अलमारी में। अलमारी वाले साथ नाम जैसे जाते छाप करते जाते हैं साथ ना हो जाते हैं। बिल्कुल सही, आओ जी इधर पानी खा दे। डाकू भी यही है, डाकू भी बेसिक वही है, कलर जो है डार्क लाइट और बिल्कुल फर्क आ जाएगा, नाम में फर्क आ जाएगा। दो नस्ल चार नस्ल पीछे जाए तो सेम आ गया, नस्ल एक ही है। ये देखिए क्या नफीस खूबसूरती है, बड़ा कलर था। मैं इसकी वीडियो भी बाबर साहब, बाबर साहब ने बनाई हुई है इसकी वीडियो। क्या बात है, मैं भी थोड़ी देर देखें जी कैसा जबरदस्त। तो ये बड़ा फ्रिज है, मैं ये रंग ही बड़ा घटो को मैं बाबू चढ़ एक नंबर तक नहीं, ये चांदी की आंखा वाली नहीं थले लगा सैंडी पे पकड़ो पंजा निशान वाले मादी के पंजा निशान वाला आगे ना कर दिया पूरे भरा दी थी मादी के दी सैंडी दी ना दी नाम काले मुंह की ये भी नहीं, इसके भी रिंग देख लें कमाल की, बहुत ही जबरदस्त आंख है। बहुत ही अच्छा कबूतर है, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि पीछे से तो कामला भाई चलती तो वही आ रही है ना, कैडर तो वही है। हाँ।
ये देखिए बहुत अच्छा कबूतर है, ये भी क्या बात है। साइज देखें इनके, वजूद देखें, चौड़ाइयाँ देखें कैसी हैं, लेंथ कितनी है कबूतर की, और फिर उसके बाद इस कबूतर के पर की लेंथ कैसा पर है देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत शानदार। इनकी पट्टी के अंदर पट्टा हमारे साथ मौजूद है जनाब उस्ताद यूनुस पहलवान साहब, ये कबूतर दिखा के हम उनकी तरफ भी जाएंगे, उनसे भी थोड़ा सा कसूर के शौक के बारे में भी और कुछ कबूतरों के बारे में बात करेंगे। उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब के घर के ये कबूतर है, जो उस्ताद इम्तियाज सिंह चेयरमैन साहब की तरफ से जो जोड़े लगे हुए हैं उनकी छत पे हम आपको दिखा दें। काफ़ी सर हो गया मेरे 500 अपने को 16-17 सर। ये क्या कहलाएगा, सलारा? सलारा नहीं जी, सलारा इसके साथ डब वाले लगाए लाल, इसके साथ डब वाले लगाए लाल। क्या तेज पर बहुत शानदार छोटी सी मादी है तितली, मैं दसदा भी नहीं ना राखी गई हाँ सब अच्छा मजे भाई चेता रख उस्ताद यूनुस पहलवान साहब जनाब अलमारूफ लाली पहलवान साहब इनकी तरफ चलते हैं। ये इस कसूर में चेयरमैन पार्टी के लीडर हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक शुक्र जी। माशाल्लाह चेयरमैन पार्टी जो तुम एक लीडर हो, और इस टाइम थोड़ी पार्टी जी है कसूर दी चैंपियन पार्टी, रुस्तम भी आपकी पार्टी से ही है, चैंपियन भी आपकी पार्टी से, तो क्या कहना चाहेंगे पार्टी की परफॉर्मेंस के बारे में, और कसूर से सिर्फ तो पार्टी की परफॉर्मेंस के बारे में की कहना चाहोगे कि कैसी परफॉर्मेंस, और मजीद मजीद पार्टी के क्या आगे जो है मुस्तकबिल कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर होते हैं, रब साडी पार्टी का लुलियाणी मुस्तफाबाद यूनुस रहमाना ते राजू दो भाई और रुस्तम होए कसूर के चेयरमैन ग्रुप के, कसूर के बच्चे मुश्ताक भोला छत लाले मुस्तफाली वो चैंपियन होए ने, और माशाल्लाह 3-4 कप उन्हें जीते ने, मुश्ताक भोला कोमन इन्हों मेहनत के नाल अल्लाह की करमनवाजी नाल इंशाअल्लाह ताला से चेयरमैन ग्रुप में ज्यादा तो ज्यादा चेयरमैन साहब के बारे की कहना चाहोगे, शौक भी किया है की कहना चाहोगे? चेयरमैन दे कोई मिसाल ही नहीं, सानू रब ने फरिश्ता दिता साढ़े सिर से सलामत रहे, मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल सही है। उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। रुस्तम बैसाख 2022 फिर रुस्तम जेठ ग्रैंड टूर्नामेंट, जो रुस्तम ग्रैंड जेठ टूर्नामेंट हमारा जो लाहौर का रहा, दोनों बड़े शानदार टूर्नामेंट चले हमारा आपस में, उस पर रहा भी सारा इंट्रैक्शन भी रहा, रात तक बैठे हुए मुनसफियाँ वगैरह उसके दिनों में भी आपसे ताल्लुक रहा, बातें रही, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई डिस्प्यूट ऐसा कोई नेगेटिविटी कोई शिकायत ऐसी कोई इन टूर्नामेंट्स के दौरान आई हो, या आप समझते हैं कि इस दफ़ा भी पहले की तरह कामयाब तरीन टूर्नामेंट रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगे लाहौर के शौक के बारे में, लाहौर के शौकी नज़रात से ये टूर्नामेंट्स के बारे में, और जो उन्होंने आपके साथ तआवुन किया उसके बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए, आमीन। दोस्तों दो टूर्नामेंट्स उड़ाए
उस्ताद इम्तियाज चेयरमैन पार्टी, हमेशा की तरह द नेम ऑफ द ब्रांड, जितनी एंट्रियाँ उतने नाम। दो कप उड़े और भरपूर लोगों ने उसमें शिरकत की और हमेशा की तरह इत्माद किया और जब तक लाइफ है इंशाल्लाह ताला किसी का इत्माद नहीं टूटा। जितनी एंट्रियाँ उतना इनाम का जो नारा है ना, जब तक लाइफ है ये चलता रहेगा। लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और इन्जॉय किया। सबसे बड़ी बात है कि टूर्नामेंट की कामयाबी, टूर्नामेंट की कामयाबी होती है तमाम प्लेयर्स, तो अल्लाह पाक की रहमत से लाहौर में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा मैनेजमेंट होता है, अच्छी टीम होती है, तमाम इसको मिल के ऑर्गेनाइज करते हैं, मिलजुल के शौक होता है। और इस बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर एक प्लेटफॉर्म पे था, अल्लाह पाक इसी तरह आगे भी एक प्लेटफॉर्म पे रखे। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं आया ना जेट में, ना बैसाख में, ना उससे पहले चेतर में, अभी तक कोई डिस्प्यूट ऐसा नहीं आया कि जिसमें मसला मसाइल पैदा हुआ। तो ये क्रेडिट तमाम लाहौर को जाता है। 62 मेंबर्स थे हमारे लाख वाले कप में, 62 एंट्रियाँ, 62 लाख रुपए का कापूड़ा और 62 लाख के ही नाम दिए गए। और ये लाहौर की तारीख का पहला ऐसा वेदर था कि जो आज से पहले कभी नहीं था। थ्रू आउट 3 माह टेम्परेचर जो है ना 44, 45, 46, 47 फील लाइक जो था वो 49 पॉइंट कुछ था, और जो नमी का तनासब था वो 9, 10, 11। बहुत अच्छे कबूतर उड़े लाहौर में। मैं समझता हूँ ये लाहौर की कामयाबी है और इंशाल्लाह ताला मौसम आइंदा भी, चेयरमैन साहब ने जैसे कहा, आपने सवाल किया कि आइंदा भी आए, मैं कहता हूँ आइंदा भी आए तो ज़्यादा अच्छे कबूतर उड़े। जब मौसम होता है ना ठंडा गर्म, जब कबूतर ठंडे गर्म होते हैं हमेशा ख़राबी तभी होती है। मौसम एक तरतीब से चलता रहे उसमें ख़राबी का जजेस, उसमें जो है डिफरेंट जज रखे जाते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो एक एक मेंबर जो है वो जज, सीनियर लोग। तो सबसे पहले तो ये कि जितने भी ज़्यादातर मैंने तो अमूमन देखा कि जो भी जज होता है वो कम अज़ कम सीनियर उस्ताद ही होता है। जी है, गैर उस्ताद मेरा ख्याल है कि जज नहीं, यहाँ पे बहुत कम ही देखा कि कोई शायद हो, वैसे देखा नहीं गया लाहौर में, लाहौर में नहीं होता। जज उस्ताद ही होना ज़रूरी है और पार्टी की तरफ से जो बंदा नामजद होता है वही सीनियर उस्ताद, तो वो बनाया जाता है। तो क्या बाजियों में और टूर्नामेंट्स में जजेस सेम ही रहते हैं कि अलग? सेम ही रहते हैं और हम इस कोशिश में हैं। बिल्कुल सही, सालों साल सेम है। जो लाहौर में आपको बीमार हो जाए उसकी जगह डालना पड़ता है, सालों साल वही जज है। मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में मुख्तलिफ जजेस लगे होते हैं, तो जैसे लाहौर का अगर शौक है कि तो जजों का भी एक पैनल बन जाए, पूरे प्रॉपर ही पैनल एक हो जजेस। कोशिश तो कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है कि इस पर भी पूरा जो है ना अबूर हासिल हो जाएगा सब लाहौर को। हम तो चाह रहे हैं और हमने अपनी तरफ से मशवरा भी दिया सबको कि जी कमेटी एक बन जाए, फैसला कोई भी हो, चाहे वो बाजियों का हो, चाहे वो कप्स का हो, एक कमेटी पूरे लाहौर की, हर पार्टी एक मेंबर दे दे, हर पार्टी अपना एक मेंबर दे, एक ही फैसला होता है और वो कबूल होता है, मिनो इन कबूल करना। सियालकोट कमेटी का जो फैसला होगा वो सब ने कबूल कर, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, 100 से भी ऊपर कप होते हैं एक करीब। बिल्कुल इसके अलावा हज़ारों का नहीं, हज़ारों के फैन को कंट्रोल करना बेहतर, फिर भी लाहौर में जो वाक़ होते हैं ना होने के बाद, बिल्कुल ना होने के बराबर जो हमारे जजेस हैं उन्होंने ये 3-4 साल पीछे चले गए, ऐसे फैसले किए। अब लोग जजेस के पास फैसला ले जाना ही नहीं चाहते, खुद ही उधर ही कर लेते हैं, उनको पता है उधर को ऐसे ही होना, पहले ही पता है, पहले ट्रेंड सेट। हाँ, अपने गार्डनी सेटल कर लेते हैं बस, ठीक है। बिल्कुल सही, जजेस के पास कोई फैसला शायद ना हो। मेरा नहीं ख्याल 2 या 3 फैसलों से ज़्यादा इस दफ़ा पूरे सीज़न में जजेस के पास कोई फैसले गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही 2 या 3 बस, टोटल कपल। बिल्कुल ठीक, वो उन्होंने तोल के कर दी। जब फैसला तोलने करने वाला तोल के करेगा ना, फिर ले जाने वाले सोच लें डंडी तो कुछ नहीं कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही मान लो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन साहब, आपका उस्ताद मलिक मोहम्मद साहब, उस्ताद बाबू ताहिर साहब,
उस्ताद नसीर साहब थैंक यू वेरी मच, उस्ताद लाली पहलवान साहब, और आखिर में हम बात करेंगे चैम्पियन कसूर जनाब उस्ताद मुश्ताक भोला साहब और उस्ताद हमन साहब से पूछेंगे कि कैसा रहा इस मौसम के कबूतर उड़ाना फिर चैम्पियन होना। उस्ताद मोहतरम के बारे की कहना चाहूँगा? सही रहा माशाल्लाह, साढ़े सात साल दुआ जनाब साढ़े बाप की दुआ दे दोस्त आ गए सब अल्लाह तला मेहरबानी है शुक्र अल्लाह तला पढ़े आंदा की प्लान है आंदा भी बाजी इस तरह खेलो इंशाअल्लाह बेहतर करें पार्टी नू वधान दा सोच रहे हो उधर के? हां जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वधाऊंगे पार्टी इंशाअल्लाह। अमन भाई तुसी की कहना चाहो? माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक दा, अल्लाह तला साढ़े साथ सानू तंदुरुस्ती ही रखे और इन्हें पार्टी में इज्जत दे फतह दे कामयाबी दे सानू भी दे इन्हें दुआवों ना असं इंशाला तला थोड़े ग्राम बोझे मांगते माशाला यह साल घट ही लगते हैं बोल लें जी। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तमाम दोस्त अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं और ये वकार अंसारी साहब हमारे साथ आ जाना ज़रा, ये दोनों इकट्ठे क्या कहना चाहेंगे दोनों भाई? ये जी माशाल्लाह सोम साहब कुछ बोला साहब उनके साहबजादे मोहम्मद साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह हमेशा जो हमारी पूरी हमारे पूरे फैमिली ने साथ चेयरमैन साहब का साथ दिया है चाहे किसी भी हालात में इंशाल्लाह आइंदा भी हर तरह के स्पोर्ट जानी माली कसूर से हर तरह का जो तावन है वो हमारी पूरी फैमिली का इंशाल्लाह जनाब साथ इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब के साथ और इनकी पूरी पार्टी के साथ साथ ही रहेगा इंशाल्लाह। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुश्ताक भोला साहब के साथ इंटरेस्ट भी ले रहा है कबूतरबाजी में कि नहीं? जी लेगा तो फिर तो गल करें नहीं पक्का ये हमारा शिकायत भी है। अच्छा खबर वाले साहब कैसा भी है और कैसा लगा जी इस दफा का एक्सपीरियंस रहा? मजा आया दोनों तरफ ही कबूतर अच्छे उड़े हैं हरीफों का भी और हमारे भी और इस दफा ये भी बेनिफिट हुआ कि हमारे कबूतर उड़ा में भी अच्छे उड़े हैं और वापस भी आए हैं एवरी में भी हमारे टूर्नामेंट्स में अव्वल पोजिशन रही है और हिट में भी तो काफ़ी मज़ा आया है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। जनाब उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब का शिकायत है फकीर उस्ताद फकीर हुसैन साहब माशाल्लाह इन्होंने भी शाना बशाना साथ दिया जनाब उस्ताद उस्ताद भोला साहब उस्ताद राशिद मोहम्मद साहब का शाना बशाना इनके साथ रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रगल रही इनकी तो आज हम तमाम तर दोस्त उस्ताद यूनुस पहलवान उस्ताद मुश्ताक भोला उस्ताद राशिद मोहम्मद साहब और उस्ताद फकीर हुसैन साहब आज हम अपने बानी सरपरस्ते आला जनाब उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन पार्टी जनाब उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि उनकी पार्टी ने शहर कसूर के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह तीन रोज़ा पाँच रोज़ा तमाम तरह टूर्नामेंट्स विन किए तो उसी खुशी में आज मिठाई लेकर और चेयरमैन साहब को हम मुबारकबाद देने के लिए आए हुए यहाँ पर। तो जितने भी दोस्त आप लाइव हमें इस वक्त देख रहे हैं जिनका ताल्लुक इस पार्टी से है तो कसूर की पार्टी कसूर की जनाब से तमाम तरह पार्टी मेंबर्स को लख लख मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद ले जी। इसके साथ ही अपने दोस्त अपने हौसला कामना अब्बास को दीजिएगा इजाज़त।